ये हमारी पूजा की थाली, इसमें है पाजा, जौ, घी और ये क्या डंडी ऐसी है, ले और ये हमारे साजे के दिन जलाते हैं। अब हम इसे जलाएंगे और दादा हम आपको सब कोई थोड़ा थोड़ा देंगे तो हम इसे आग में जलाएंगे। चूल्हे में जलाएंगे, ये दादा और ये तीन बार या सात बार अपने सिर के ऊपर निकालना पड़ता है और ऐसे डालते हैं इसे। तेरे लगा आता डाय हेयर स्टाइल मम्मी मेरा सुना शहर नहीं पकड़ रहा यार, तुम तो करो कट हो कट ही कुछ अभी मेरे पास जाइन के रुको करो 5 रुपए भी दो मैं सुन। थैंक यू मेरी दादा अभी दो ये से देख प्याले भी तो देने को ये है रेवड़ी और दे दे माई दे दे थैंक यू। तो अभी सुबह होने वाली है, देखो वहां पर वहां से ऑरेंज ऑरेंज कलर का है और यहाँ पर देखो सब लोग उठ गए है गाँव में आज। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग नमस्ते, कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत इतनी सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और हमारे इसको माघे साजे के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे पूरी साल भर का सबसे बड़ा साजा होता है। हमारे आज माघ का महीना शुरू हो गया से, तो इसको बोलते हैं हमारे माघा साजा बोलते हैं। तो आज के दिन जैसे कि आपने वीडियो में थोड़ा बहुत देखा होगा, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई सुबह उठ के, क्योंकि सुबह उठ के मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि मेरे को हो रही थी पेट दर्द, गर्ल्स प्रॉब्लम, तो मैं कहीं जा भी नहीं पाई आज के दिन। वरना तो हमारे जाते हैं, पतिया होती है पाजा, उसको देने जाते हैं इधर उधर गाँव में, मतलब अपने बड़ों के बड़ों को देते हैं मतलब पतिया, और वो हमको आशीर्वाद देते हैं और हमको प्रसाद देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो सब कुछ रहता है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, आप लोगों को विशेष विश कर लेती हूँ ये सब कुछ। तो अभी घर में है मैं, दादी, दादा, क्योंकि मम्मी और तब्बू गए हैं गाँव पाजा देने के लिए, और दादा दादी घर पर है, क्योंकि मतलब कि बड़े कहीं नहीं जाते, बड़ों के पास सब लोग यहाँ आते हैं, तो सब लोग दादा दादी के पास यहाँ आए पाजा देने के लिए। तो पापा और अब्बू गए हैं मंदिर, तो घर में बचा मैं, दादा, दादी, मैं तो जस्ट गई हूँ। जो भी रहेगा वो आपको दिखाऊंगी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, बाहर कोई आया है, दादी आवाज़ दे रही है मेरे को। तो अभी बाहर लग गई है धूप, 8 बज गए और तो पापा और अब्बू आ गया मंदिर से।
और आज अच्छी धूप नहीं लगी है अभी तक। अभी अभी धूप लगना शुरू हुआ है बट प्रॉपरली धूप नहीं आई अभी। और आज के दिन ना हमारे जो भी दान करते हैं ना, वो जो हमारे फैमिली से कोई मरा होगा, मतलब हमारे घर से कोई मरा होगा तो वो दान उनको जाता है। और आज के दिन कपड़े वगैरह भी नहीं धोते, जैसे आज हम कपड़े वगैरह धोएंगे तो जो मैल होती है वो सारी उनको जाती है, इसलिए कपड़े वगैरह नहीं धोते, ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग, बाकी मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो अभी मैं बैठूँगी आग वाले किचन में क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड है और यहाँ पर दादा पहले ही विराजमान है नीचे। और जो अभी तिलक देख रहे हो ना, एक ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का लगाया था दादा ने, जब जो ये पाजा था ना उसकी राख करके ये लगाते हैं। तो जो ये रेड कलर वाला देख रहा है, ये लगाया पापा ने, जब पापा ने प्रसाद छोड़ा उसके बाद पापा ने ये लगाया, तो इसीलिए मैंने दो दो तिलक लगाया। देखो मेरा है? मेरा तो बनाया मम्मी ने चौका, धूप लग गई है। तो साजरे वाले दिन बनाते हैं हमारी घी और खिचड़ी, तो हम उसको खा रहे थे बाहर धूप में बैठ के। तो उसके बाद आए थे यहाँ पर ताऊ ताई, तो हम लोग मस्त धूप में बैठ के गप्पे मारे थे। और मैं तो लेटी थी क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं तो लेटी थी, ये लोग मस्त गप्पे मार रहे हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा अपना पैर दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने नई नेल पॉलिश लगाई, तो बहुत अच्छी आ रही थी। और अब्बू और मम्मी पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, तब वो अपना मस्त फोन चला रही है। और ये रहा प्यारा सा व्यू, और ये रहे पापा। तू लग रही बहुत ही गंदी, और पापा लग रहे बहुत ही स्मार्ट। हो जाएगा जल्दी वीडियो, आप कितनी स्मार्ट लग रही वीडियो में। मार तो मैं इसमें कह सकता हूं। चलो हाय करो फिर। हाय पीछे डो मुझे लगा कि मर गए। हां दुकान दे लो। 2000 years later। तो तब्बू बना रही थी अभी यहाँ पर रोटियाँ। तो हम ना शाम को रोटियाँ तंदूर पे ही बनाते हैं क्योंकि आग तो जल्दी होती है, तो हम रोटी भी इस पे ही बनाते हैं शाम को। तो तब्बू यहाँ पर बेल रही थी और दादी कर रहे थे उसकी हेल्प। तो अब्बू देख रहा है मैच और मैं थी लेटी हुई क्योंकि मेरे को हो रही थी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द। तो आज हमने डिनर में बनाया था मटर पनीर, तो हम लोग लग गए थे खाना खाने। तब्बू वगैरह की थोड़ी सी रोटी बचती थी बनाने को, तो मम्मी ने बोला उतनी देर तक तुम खाओ उसके बाद खाएंगे हम लोग खाना। तो यहाँ पर मैं खाना। हाय एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया है 9:30 का और अभी तक हम लोग मस्त आग के पास बैठे थे और गपशप कर रहे थे क्योंकि सब लोग थे। सिर्फ दादा टीवी देखने चले गए थे क्योंकि वो शाम को रोज़ टीवी देखते, एक दिन भी मिस नहीं करते। तो दादा चले गए थे, फिर पापा मैं मम्मी दादी अब्बू तब्बू हम सब लोग बैठे थे। तो इसी के साथ आज का ये जो फेस्टिवल है वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि जब कुछ भी ऐसा फेस्टिवल आने वाला तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। जब हो जाता है फिर होता है यार ख़त्म हो गया अभी। और आज मैं क्या सोचा था और क्या हो गया, मैंने सोचा था हम लोग मंदिर जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ। इस मेरी दर्द के कारण मैं कहीं भी नहीं जा पाई, बट हाँ मेरे को ना घर बैठे बैठे पैसे मिल गए। और मेरे को जैसे तब्बू गई थी तो जैसे ताऊ वगैरह सब लोगों के घर गई थी तो इसको पैसे मिले थे वहाँ पर, बट जब ताऊ और ताई वगैरह यहाँ पर आए थे अंकल वगैरह तो मेरे को यहाँ पर भी पैसे मिले। मैं गई ना गई एक ही बात हो गई। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा बहुत शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जैसे कि मैंने ब्लॉग में पहले भी बोला। तो मैंने सोचा कि चलो इतना बड़ा फेस्टिवल है हमारा, थोड़ा बहुत शेयर करना तो बनता है, हमारी जो भी हमारी संस्कृति कल्चर जो भी रहता है वो मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया। हमारे इधर ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, बाकी जगह अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस करके तो कल सबको जाना है, मेरे को जाना है वापस रामपुर, अब्बू को भी जाना है कल वापस, और तब्बू रुकेगी भी घर में, तब्बू आएगी एक दो दिन के बाद रामपुर, तो तब तक घर में रहेगी। तो सोच रही हूँ इस वीडियो का एंड यहीं कर लेती हूँ, जैसी भी बनी होगी देख लेना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।